तो चलिए शुरू करते हैं कि कल अपनी एक टॉपिक पे बात हो रही थी, दैट इज कि दो चार्जेस अगर लें तो उसके मीडियम में डाल दिया जाए तो उस पर फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो चीज बनी है दैट इज के, एंड यहां पर मैं क्या बोलता हूँ, दिस डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, कि अपने जब भी दो चार्जेस बनेंगे और किसी मीडियम में इंसर्ट कर दिए जाएंगे तो एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो के जो है वो क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट अपॉन मीडियम बन जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दो लोगों की आवाज आ रही है, एक साथ बोलो भाई, 1 2 3 गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन गधे तो तुम हो ही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो शुरुआत में हमने क्या देखना था कि हमने वेक्टर फॉर्म में देख लिया था कूलाम्स लॉ, है ना, और उसको लिख लिया था। फिर उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बड़ी सिंपल सी बात है, इसको देखना और खुद ही समझ जाओगे, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास Q2 चार्ज है, यहाँ पर मेरे को Q3 चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास Q4 चार्ज है, और ऐसे खूब सारे चार्जेस हैं, है ना, ऐसे खूब सारे चार्जेस हैं। तो व्हाट हैपेंस, मैं देखता हूँ कि यार Q1 पर क्या Q2 ने फोर्स लगाया होगा, बोलो भाई, क्या Q3 ने फोर्स लगाया होगा, क्या Q3 ने फोर्स लगाया होगा Q1 पर, या Q4 ने Q1 पर फोर्स लगाया होगा, सभी चार्जेस ने लगाया होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर नेट फोर्स ऑन Q1, नेट दोनों फोर्स ऑन Q1, उसको अगर F1 लिखें तो F1 की वैल्यू क्या बन चुकी है, वो हो चुका है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई Q1 पर Q2 ने भी लगाया, Q3 ने भी लगाया, Q4 ने भी लगाया। तो अगर मैं Q1 पर लगने वाले नेट फोर्स को जानना चाहता हूं तो यहां से इंडिविजुअल जो फोर्सेस लग रहे थे उसका वेक्टर सम फाइंड कर लीजिए। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। तो मेरे पास क्या बना हुआ है कि नेट फोर्स ऑन Q1 इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू द अदर चार्जेस, कि Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या कहता है कि भाई यहां पर 2 की वजह से 1 पर लगने वाले फोर्स की वजह से इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहना ये चाहते हैं कि भाई अपन फोर्स किस पर देख रहे हैं, 1 पर देख रहे हैं, तो 1 पर 2 ने भी फोर्स लगाया, 1 पर 3 ने भी फोर्स लगाया। तो ये कहा गया कि भाई 2 के लगने वाले फोर्स की वैल्यू पर 3 की वजह से ना कोई फर्क पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। Q2 ने उतना ही फोर्स लगा देना है जितना 3 यहां पर था या 3 यहां पर नहीं था। बात समझ में आती है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहां पर इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। इसमें लिखें इट स्टेट्स दैट, एक मिनट, इट स्टेट्स दैट नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज।
ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखें फोर्स ऑन वन चार्ज, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनादर चार्ज, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनादर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ड्यू टू अनादर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज. कहने का मतलब Q1 और Q2 में लगने वाला फोर्स Q3 के होने या ना होने, Q4 के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन क्या नेट फोर्स ऑन Q1 डिपेंड करेगा क्या? हाँ डिपेंड करेगा. नेट फोर्स ऑन Q1, Q2, Q3, Q4 सब पर डिपेंड कर रहे हैं. लेकिन Q1 और Q2 के बीच के लगने वाला फोर्स चाहे Q3 हो चाहे Q4 हो या ना हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. नहीं करेगा. अभी एक सवाल करते हैं. यहाँ पर एक स्क्वायर्स के कॉर्नर पर, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर इस प्रकार से चार्जेस रखें Q माइनस Q, ये है माइनस Q और ये है प्लस Q. तो हमसे पूछा गया है बताइए व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस Q चार्ज. मान लेते हैं ये चार्ज था A और इसकी जो सेपरेशन दिया गया है वो डी दे दिया गया. स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेंथ हमें डी दे दिया. तो पूछा है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज ए कितना बना है. जीरो. नहीं बच्चा इतना थोड़ा पेन चलाओगे अपने आप चलेगा. रूट टू क्यू क्यू. बच्चा फोर्स क्यू में कब से आने लगा? समझे मेरे क्या कहना चाह रहा हूँ? ये लो क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, साइड लेंथ इसकी डी है और ये स्क्वायर है. ठीक है. जीरो. नहीं बच्चा. हाँ ये थोड़ा सही लग रहा है. देखो क्या हुआ कि सबसे पहले मुझे देखना किस पर है, Q पर है. तो Q के अलावा कितने चार्जेस हैं यहाँ पर? यहाँ पर है माइनस Q, यहाँ पर है प्लस Q और यहाँ पर है माइनस Q. यानी कि तीन चार्जेस हैं और तीन चार्जेस हैं इसका मतलब मेरे पास कितने फोर्स लग रहे होंगे? तीन फोर्स लग रहे होंगे. इतनी बात तो समझ में आती है. अब देखो ये चार्ज है Q और ये है माइनस Q, तो बोलेगा ये अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन होगा. तो मैंने क्या बोल दिया कि यहां पर अट्रैक्शन होने वाला है. मान लेते हैं इस तरह से F वैल्यू लिख दिया. अच्छा इस Q और इस माइनस Q को देखते हैं. अच्छा बताइए इन दोनों में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? अट्रैक्शन होगा. तो ये कुछ इस प्रकार से अट्रैक्शन बनता हुआ पाया गया. अच्छा अब देखो Q और माइनस Q, इस Q और माइनस Q के बीच की दूरी क्या है? सेम है. इनफैक्ट चार्जेस का मैग्नीट्यूड इन पेयर में और इस पेयर में भी सेम है. तो मैंने अगर फोर्स यहाँ F लिखा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना रहा होगा? F ही होगा. F ही होगा क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है K Q1 Q2 by R square पर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जेस बराबर हैं, यहाँ पर चार्जेस बराबर हैं, मतलब दोनों पेयर के चार्जेस देख सकते हो सेम हैं और दूरी भी सेम है. इसी वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम बनेगा. अंतर किसका आएगा? डायरेक्शन का आएगा. अब तीसरा चीज देखते हैं. तो मैं देखता हूं यहां पर यह है Q और यह है Q, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन.
रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये ऐसा धक्का लगेगा। क्या इसका मैग्नीट्यूड भी एफ होगा? नहीं सर, एफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू और क्यू तो है लेकिन दूरी जो है इस बार डी से ज्यादा हो गई है। मैंने मान लिया ये जो है एफ वन हो गया है। तो एक काम करता हूं मैं, एफ का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, तो वो बन चुका है 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। और इसी प्रकार से मैं अगर एफ वन का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो वो कितना बन जाएगा? वो होगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू अपॉन दूरी कितना होगा? ये F1 कौन सा फोर्स है इन दोनों के बीच लगने वाला? 2D का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये F है, यहां ये F है, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा? F और F की बात कर रहा हूं मैं, F1 नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही, ये डायगोनल के अलोंग में इस प्रकार से बनेगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना पाया जाएगा बोलो? √2f पाया जाएगा, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये √2f आ गया। तो मैं अगर एफ नेट लिखना चाहूं, एफ नेट लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, एक तो अंदर की तरफ है √2f, बाहर की तरफ है एफ वन, तो यहां से आया √2f की वैल्यू है 1/4πε0q² / d² माइनस एफ वन। अगर देखें तो एफ वन कितना था, ये लिखा हुआ है, तो ये आ गया 1/4πε0q² / √2d, यानी कि उसका हो जाएगा 2d² इस प्रकार से ये बन चुका है। तो मैं कॉमन चीजें हैं वो बाहर निकाल लेता हूं, तो ये आ गया 1/4πε0q² / d², ठीक है, और रूट टू बाहर था ही, अंदर बन चुका है 1 - 1/2 बन चुका है, तो यहां से 1/2 और ये √2, तो ये बन जाएगा 1/√2 4πε0। हाँ, √2 बाहर कैसे आएगा? √2, ओ सॉरी 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 सॉरी, बड़ बड़ है ना, ऐसा कर लेते, ठीक है आप समझ गए ना, कर लो इसके बाद, तो कर लोगे ना यार? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो अब मेरा पॉइंट यहां पर है, अच्छा चलो ये बताओ कि ये एफ क्या था, क्यू और माइनस क्यू के बीच का फोर्स, एफ क्या था क्यू और माइनस क्यू के बीच का फोर्स। तो यहां देखो एफ के अंदर में मैंने क्यू, लेकिन यहां तो माइनस क्यू नहीं लिखा मैंने, ऐसा क्यों किया? डायरेक्शन ले ले सर आपने। बिल्कुल सही, क्योंकि यार हमने क्या है, अपने पास अपन दिमाग के साथ में पैदा हुए हैं, तो अपन ने देखा कि यार यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो डायरेक्शन मैंने पहले ही जज कर ली, क्योंकि प्लस माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाएगा, और बाकी अपन ने मैग्नीट्यूड यहाँ से देख लिया है। तो इस प्रकार से अपने पास नेट फोर्स बन चुका है एक चार्ज पर। अच्छा देखिए इस माइनस क्यू पर क्या नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या अलग होगा? इस माइनस क्यू पर बाकी चार्जेस की वजह से लगा हुआ फोर्स इज इट सेम और डिफरेंट? सेम होगा, सेम होगा, बस क्या होगा इस तरह से बनने वाला है ना, इस प्रकार से अंदर सेंटर की तरफ। तो चलिए आपको समझ में आ गया, नोट कर लें, या तो कर ही लिया आपने? हो गया सर। डन, दो मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्यू, यहां पर है क्यू, यहां पर इसकी लोकेशन दिया गया है 0, d, यहां पर इसकी लोकेशन दिया गया है 0, -d, है ना, वाई एक्सिस पर ये है, और ये अभी क्या है, कोई क्यू नॉट है जो कि x, 0 पर है। काम करो इसको 0, r ले लो, आगे काम आएगा ये, 0, r कर दिया मैंने इसे, और ये 0, -r, ठीक है। अब मेरे से क्या बोला है कि यहां पर कोई लोकेशन है x, 0 पर, कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो पूछा है फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना लिखा जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो पूछें और जल्दी से सॉल्व करके बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। सर एक्सिस के नीचे माइनस क्यू या फिर क्यू है? ये दोनों चार्जेस क्यू हैं, ये भी चार्ज क्यू है। नो, दिस इज नॉट माइनस क्यू, दिस इज क्यू एंड क्यू, दोनों चार्जेस सेम है।
बोलिए क्या आ रहा है सर? 2kq(x)/r² 2 3/2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए, चलो अब ये तो कर ही लिया अपन ने, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो कि ये है q और ये है q, तो मैं देखता हूं कि इस पर एक फोर्स q नॉट पर ऐसा लगेगा Q की वजह से। सिमिलरली इस Q की वजह से भी एक फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहां चार्ज Q और यह है Q नॉट, यहां चार्ज Q और यह है Q नॉट। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी समान है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यदि यहां पर फोर्स F लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना लिखा जाएगा? F ही लिखा जाएगा, क्योंकि दूरियां सेम है, चार्जेस सेम है, तो यू कैन से कि यहां पर जो मैग्नीट्यूड बनेगा दैट वुड बी इक्वल। नाउ लेट से कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, तो ये वाला भी अपने पास थीटा बन जाएगा। सिमिलरली ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो अभी समझना कि इस फोर्स के दो कॉम्पोनेंट बन चुके हैं। यहां पर तो बना है एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ ये बना है एफ साइन थीटा। इसी प्रकार से इस F को देखा जाए तो इस F के दो कॉम्पोनेंट बन चुके हैं। इधर है F sin theta and this one is F cos theta। ठीक है, तो चलो ये देखिए कि यार ये और ये तो आपस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले आपस में खत्म हो जाएंगे और बचेगा कितना, 2F cos theta। तो नेट फोर्स ऑन Q नॉट अगर लिखा जाए तो 2F cos theta लिखा जाएगा। तो 2 की जगह 2, F क्या लिखा जाएगा, F है एक के बीच की वजह से फोर्स, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 qq0 अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितना था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हुई दूरी, और दूरी का स्क्वायर करना है, तो ये मैंने F लिखा है, ध्यान देना। अभी cos थीटा लिखना है, cos थीटा बताओ क्या लिखें, x/√r² + x² क्योंकि दिस सेपरेशन इज x, तो और ये जो हाइपोटेनस बना हुआ है √r² + x², तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये आ गया 2 1/4πε0 qq0 x। नीचे देखो r² + x² तो ये बन जाएगा r² + x², और ये r² + x² power 1/2 मिला के हो जाएगा 3/2 power 3/2। ठीक है, अब देखना कि मैं क्या करता हूं, इस 2 को उठा के यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ऐसा 2q लिख सकते हैं अपन। अरे बोलो भाई, ये तो इधर का उधर कर दिया कोई, तो ये अपना नेट फोर्स बन जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, ये अगले सवाल में समझ में आएगा अपने, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछो। हो गया सर, डन। हां सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये एक्स एक्सिस पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, यहां पर ये वाई एक्सिस है, और ध्यान दीजिए क्या है कि थ्री चार्जेस जिसका चार्ज क्या था, क्यू था, आर प्लेस्ड ऑन रिंग ऑफ रेडियस आर, यानी कि ये जो रेड है वो रिंग बनी है, लेकिन ध्यान दीजिए रिंग क्या है, रिंग वाई जेड प्लेन पर है, यानी कि अगर ये ऐसा एक्स था तो वाई जेड प्लेन उसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से स्क्रीन में बना हुआ होगा। इतना समझ में आता है? हाँ सर। तो अभी बताओ कि इस क्यू चार्ज की इस क्यू नॉट से दूरी बताइए क्या रहा होगा,
क्यू चार्ज की क्यू नॉट से दूरी बताओ कितना रहा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा इस क्यू चार्ज की बताओ सेम रहेगा, ये तीनों सेम है, डायग्राम से कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? नहीं सर। ठीक है तो अब देखो कि यहाँ पर तीनों चार्जेस की जो दूरी है क्यू नॉट से वो सेम है और ये तीनों सिमेट्रिकली प्लेस किए गए हैं, मतलब इनके बीच में आपस में एंगल कितना है 120 डिग्री 120 डिग्री एंड 120 डिग्री, रिंग में एकदम सिमेट्रिकली प्लेस किए गए हैं। तो अब पूछा है कि बताइए इन तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या होगा, है ना, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट क्या होगा सर? सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था जो आपने 2q लिखा था तो उसके जगह पे 3q आ जाए। अरे बाबा रे, कैसे बताओ? हाउ क्योंकि 3f cos थीटा आएगा ना सर। हाँ 3f cos थीटा, 3f cos थीटा आएगा, वेरी गुड। देखो अब क्या हुआ कि यहां पर इस Q और Q नॉट के बीच में देखें तो एक फोर्स ऐसा लगेगा, ये मैंने F लिख दिया। अभी इसको देखना कि इसकी वजह से भी ऐसा टेढ़ा सा फोर्स लगेगा, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा कि यहां पर ऐसी रिंग है, मेरे वीडियो पर देखना आप, स्क्रीन पर नहीं, है ना, वीडियो दिख रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ तो ऐसा इमेजिन करना, ये ऐसी रिंग बनी हुई है ना, ऐसी रिंग बनी हुई है और इसकी वजह से जो क्यू चार्ज ऊपर रखा हुआ है, ये क्यू चार्ज है, उसकी वजह से फोर्स ऐसा लगा, ऐसा नीचे घुसता हुआ ऐसे लगा। फिर यहां पर क्यू चार्ज हुआ, दूसरा चार्ज कहां था? यहां पर था, ऐसे रिंग थी ना, तो रिंग का एक चार्ज यहां पर था 120 डिग्री पर, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? इस प्रकार से कुछ लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ बोल दो। और उसी तरीके से यहाँ पर एक तीसरा क्यू चार्ज था, एक यहाँ है एक यहाँ है और एक ऊपर है, ऊपर वाले को देख लिया, इस वाले को देख लिया और इस वाले को देख रहे हैं, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा लगता हुआ दिखेगा। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है उसके इस तरफ वाला कॉम्पोनेंट तो बच जाएगा, वो होगा एफ कॉस थीटा, लेकिन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपस में खत्म हो जाएंगे, है ना, सिमेट्रिकल तीन इक्वल अगर कॉम्पोनेंट बना दिए जाए तो किसी पॉइंट पर अगर मैं तीन फोर्सेस लिखता हूं F1 और F1 और तीनों के बीच का एंगल 120 कर दिया जाए तो नेट फोर्स जीरो आ जाता है। समझ सकते हैं इतनी बात को? तो मैं क्या बोलता हूं कि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले तो हो गए हैं खत्म और बचा है कौन सा, एक्सिस के अलोंग वाला, और वो कितना हो जाएगा 3f cos थीटा, कितना हो जाएगा 3f cos थीटा हो जाएगा। तो मैं अगर नेट फोर्स लिखूं तो लिखा जाएगा 3f है इसके बीच का फोर्स, यानी कि 1/4πε0 q0 अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी था √r² + x² और cos थीटा, तो वो आ जाएगा x/√r² + x², दूरी का स्क्वायर करना है अपने को, ना, तो ये स्क्वायर होगा। तो आप देखेंगे तो यहां बन जाएगा 1/4πε0 3q q0x/r² + x² power 3/2। बात समझ में आती है इतना? अच्छा अब एक काम करते हैं कि यहां पर जैसे Q, Q और Q तीन चार्जेस रखे, इसी जगह पर मैं क्या करता हूं रिंग पर ही सिमेट्रिकली चार चार्जेस रख देता हूं 4Q, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 4Q Q0 यहां पर 3 की जगह 4 आ जाएगा, बस देख लो। और इनफैक्ट पिछले सवाल में भी आपने देखा था कि दो चार्जेस हो तो 2q, तीस चार्जेस हो तो 3q, चार सिमेट्रिकली चार्ज रखे हैं तो 4q, पांच रखे हैं तो 5q एंड सो ऑन। बात समझ में आती है क्या? सर वो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल कैसे हो गए? वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल नहीं है पहली बात तो, एक मिनट बता रहा हूँ, ये वर्टिकल नहीं है, ये बात समझ लो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला Q की वजह से जो कॉम्पोनेंट बना है वो -y डायरेक्शन में जरूर बना है, वो बन गया F sin थीटा।
अब देखना इस q की वजह से जो एक्सिस बनेगा, जो डायरेक्शन बनती हुई दिखेगी, वो ऐसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो दिखा, क्या यहां पर देखा जाए, क्या ये वाला जो डायरेक्शन है, क्या ये f, इसका जो कॉम्पोनेंट बना है, क्या ये y एक्सिस की तरफ बनेगा? क्या ये नहीं बनेगा? ये क्या हो रहा है? अंदर स्क्रीन में घुस रहा है, ऐसे अंदर ऐसा टेढ़ा स्क्रीन में घुस रहा है, ये समझो। तो इसका जो कॉम्पोनेंट बनेगा, इसका जो कॉम्पोनेंट बनेगा वो स्क्रीन में अंदर घुसता हुआ बनेगा, स्क्रीन में ऐसा टेढ़ा अंदर घुसता हुआ बनेगा। समझ में आता है क्या? यस सर, यस सर। और इस वाले का जो यहां पर मैं फोर्स बनाऊं तो वो स्क्रीन से बाहर आता हुआ बनेगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो इस वजह से जो कॉम्पोनेंट बने वो दिखने में कुछ इस प्रकार के बनेंगे। क्यू की वजह से जो कॉम्पोनेंट बना वो इधर एफ साइन थीटा बना, इस क्यू की वजह से जो कॉम्पोनेंट बना वो कुछ इस तरह से एफ साइन थीटा बना, और इस वाले क्यू की वजह से जो कॉम्पोनेंट बना वो कुछ इस प्रकार से एफ साइन थीटा बना, और तीनों सिमेट्रिकल हैं तो आपस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया ना अपन ने? एक मिनट सर, कर लो। सर एक मिनट, पिछली स्लाइड लो ना। एक मिनट, अभी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, रिंग है, ये रिंग y z प्लेन में है, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद q। रिंग है जिसकी रेडियस है r। अरे हाँ भाई रुक तो जा, रेडियस है, रिंग है, रेडियस है r, yz प्लेन में है, यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसका चार्ज है q, और यहाँ पर q नॉट चार्ज रखा है जिसके कोऑर्डिनेट से x, 0। तो पूछा है बताइए इस पर फोर्स क्या होगा, है ना? रिंग है yz प्लेन में, रेडियस r, yz प्लेन, यूनिफॉर्मली चार्ज किया है q, और इस पर फोर्स बताइए। ठीक है, मैं पिछली स्लाइड पर जाता हूँ। हाँ डन, आगे बढ़े। इसमें बताइए क्या लिखें। सर सही, बिल्कुल सही। इसको कोई सॉल्व ही नहीं करना, पिछले जो सवाल किए हैं उसी के मदद से हम फाइनली इसका आंसर लिख देंगे। देख लो, समझ लो, फील कर लो इस बात को। ठीक है, मैं शुरू कर देता हूं। इसमें देखो क्या था, रेडियस आर की रिंग थी, कहां थी, वाई जेड प्लेन में, यानी कि बिल्कुल सेम सिनेरियो बना हुआ था जैसे कि यहां पर है। अब देखना क्या हुआ कि यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज है कैपिटल क्यू से, यानी कि इस पूरी रिंग पर इस बार चार्ज दे दिया है, इस प्रकार से पूरी रिंग पर चार्ज दिया हुआ है, पूरी रिंग पर चार्ज दिया हुआ है, ऐसा नहीं एक जगह पर चार्ज रखा है, क्या किया है, पूरी रिंग पर चार्ज दिया है। तो अब देखना कि यार यहां पर ये पिछली बार भी मैंने देखा था कि अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सिंपली यहां पर क्या कर देंगे, 1/4 pi epsilon naught, यहां पर लिखा रिंग पर नेट चार्ज इनटू पॉइंट चार्ज x/x²+r²^3/2। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या करेंगे, 1/4 pi epsilon naught रिंग का नेट चार्ज क्यू नॉट x/x²+r²^3/2। इज दैट क्लियर?
यस सर। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा आइडिया फिर से ले लेते हैं। yes, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल, ये रिंग बनी होगी तो ऐसे छोटे सारे कई सारे चार्ज पार्टिकल से बनी होगी, मैंने इसको बोला राम। तो इन राम की वजह से जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये कुछ ऐसे पाए जाएंगे। तो राम अगर यहाँ, तो घनश्याम मैंने इसका जुड़वा भाई यहाँ पर देख लिया, तो उसकी वजह सॉरी उसकी वजह से जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, उसकी वजह से जो फोर्स है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का एंगल वैंगल सेम, तो इसका मतलब ये वाला माल तो खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला बचता कौन सा है, बस इधर वाला। इसी प्रकार से यहां पर मिलेगा कोई, मतलब कोई मिलेगा और यहां पर भी कोई मिलेगा, और इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। सिमिलरली ऐसे जुड़वा भाई अपने को मिलते जाएंगे, बात समझ में आ रही है क्या? तो इस प्रकार से अपने पास नेट फोर्स इस प्रकार से जुड़ता जाएगा, और सारे जुड़ते 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 हमें नेट चार्ज यहाँ क्यू दे देंगे। एनी डाउट अभी पूछ लो सर। पर आपने कहा था जितने होंगे फोर्स, थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज कट रही है। आपने कहा के कि जितने होंगे पार्टिकल्स, मतलब उनके नंबर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर। फिर यहाँ डिटरमाइन कैसे करेंगे कितने पार्टिकल्स है? अरे यार मान ले मुझे नहीं पता कितने, मैंने एन मान ली है ना, मुझे नहीं पता, मैंने एन मान लिया, और एक पार्टिकल का चार्ज मैंने छोटा सा चार्ज क्यू मान लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा एन इंटू क्यू। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। और n into q हो तो क्या गया, n तो क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, q था एक का चार्ज, तो n into q हो जाएगा टोटल चार्ज। बोलो समझ में आया? हाँ सर। और q टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है। समझे? हाँ। ठीक है, तो बोलो बजरंग बली की जय। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने लिया ये है अपना 9Q चार्ज, और यहाँ पर लिया मैंने एक Q चार्ज, दोनों के बीच की दूरी हमने रख दी है 4D, या रख दी है 4D रख दी है। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट of charge and where it should be placed such that system remains in equilibrium। EQ मतलब equation नहीं है, equilibrium की बात करो। ठीक है कि भाई यहाँ पर 9Q है, ये Q है, दोनों आपस में देख के बोलेंगे तू दूर जा तू दूर जा, लेकिन हम क्या चाहते हैं इनके लाइफ में एक और ऐसी चीज आ जाए जो इनको बांध के रख दे, कि यहाँ पर हम कोई चार्ज इंट्रोड्यूस कर दें, और कहाँ इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि कहाँ इंट्रोड्यूस कर दें ताकि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में बन जाए। सर 8Q तो पहली बात तो बताइए कि ये चार्ज पॉजिटिव रखा जाएगा या नेगेटिव रखा जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव रखेंगे। कैसे पता लगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। कैसे पता लगा नेगेटिव होगा? रिएक्शन होना चाहिए ना।
हाँ अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि 9q और q आपस में देख के दूर भागना चाहते हैं, तो इनको यहाँ बांधना है, तो इसका मतलब ऑपोजिट चार्ज तो लाना पड़ेगा। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा तो अब ढूंढिए कि भाई वो नेगेटिव चार्ज कहाँ रखें, और रखें तो मतलब कहाँ रखें और कितनी वैल्यू का चार्ज रखें। सर वो 9q से d डिस्टेंस पे है। 9q से d डिस्टेंस पर, राइट में या लेफ्ट में? राइट में। दोनों के बीच में कह रहे हो ना? हाँ। अच्छा, 9q से कितनी डिस्टेंस पर? d डिस्टेंस पर। अच्छा, और कोई? एक मिनट सर। सर माइनस 10q, माइनस 10 क्यू, और कहाँ रखा जाए? क्यू पे। क्यू पर रखा जाए? अरे बाबा काय कर रहे हो सर। 2D सर। कहाँ से 2D? 2D क्या भाई, थोड़ा पूरी इन्फॉर्मेशन तो बताओ। ये कोई आंसर नहीं होगा। 3D डिस्टेंस। 9Q से 2D डिस्टेंस पर। 3D डिस्टेंस पर। हाँ ये सही लग रहा है मुझे। हाँ सर। चलो देखो यार, कि अपने पास ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस रखने की कई सारी पॉसिबिलिटीज है। मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दिया। तो पहले मैं देखता हूं कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में क्या मैं रख सकता हूं ये चार्ज, है ना। अच्छा एक मिनट, वेयर इट शुड बी प्लेस्ड ऑन लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, है ना, ये भी ऐड कर देना इसमें। तो अब देखो, मैं अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज को यहां रखता हूं, है ना, मान लो नेगेटिव चार्ज को मैं यहां रखता हूं, तो अगर नेगेटिव चार्ज को यहां रखा तो एक बार देखते हैं 9Q पर लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे। तो नेगेटिव चार्ज और 9Q में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यू और 9Q में क्या होगा, रिपल्शन होगा। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो क्या 9Q इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं, नहीं रह पाएगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि भाई नेगेटिव चार्ज को हम यहां नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बेचारा हमारा ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रह पा रहा है। फिर दूसरी सिचुएशन कि इस एरिया में, इस रीजन में मैं नेगेटिव चार्ज कहीं रखता हूं, मान लो मैंने यहां रख दिया। क्यू पर बात करते हैं, तो क्यू पर नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, 9Q का रिपल्शन होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट में? अरे यार जाग जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेगेटिव चार्ज का क्यू पर अट्रैक्शन, 9Q का यहाँ पर रिपल्शन, दोनों सेम या ऑपोजिट? सेम या ऑपोजिट? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया कि बीच में ही कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मैंने एक्स मान लिया, एक्स दूरी पर। तो ये हो जाएगा 4-x हो जाएगा। सर x की दो एंड क्वाड्रेटिक बन रहा हूं। रुक जाना है, रुक जा। तो अभी रुक जा, ये अभी x निकालना है मुझे, तो x से काम हो जाएगा। कि मैंने मान लिया इसको यहां रख देते हैं, तो अभी नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां रखा, तो 9q की वजह से q पर रिपल्शन होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से q पर अट्रैक्शन होगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ऐसी संभावना है कि ये इक्विलिब्रियम में रह पाए? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं ना। पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, तो बेचारा वो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पा रहा था। अब तो ये पॉसिबिलिटी बनी है कि अगर दोनों ऑपोजिट फोर्सेस बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, किसी भी एक चार्ज को नहीं, सभी को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो यहां पर मैंने जो चार्ज लिया वो मैंने मान लिया कुछ माइनस क्यू है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो करना है। तो मैं देखता हूं 9Q को माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, क्यू वाला चार्ज माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, और दोनों की वजह से नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए आपस में। तो मैं देखता हूं के 9Q के 9Q और ये कैपिटल Q अपॉन दूरी कितना बना, 4D माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा वाला तुम बताओगे क्या लिखें, के minus. अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलता हूं भाई,
तो यहाँ पर अभी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो k से तो k गया, 9q मतलब q और इससे ये और ये गया, तो यहाँ से आ गया 9x² is equals to 4d minus x का होल स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो ये आ गया 4d minus x is equals to plus minus 3x, इतना आ गया, है ना। मैथ्स अपने को पूरी आती है, प्लस माइनस दोनों लेंगे अपन, फिर चेक कर लेंगे भाई क्या आया क्या नहीं आया। तो 4d minus x बराबर 3x, तो यहां से क्या आ गया 4d बराबर 4x, तो x बराबर कितना आ गया d आ गया, एक तो अपना बन चुका है। दूसरा देखते हैं 4d minus x बराबर minus 3x, तो ये आ गया 4d बराबर minus 2x, तो x आ चुका है minus 2d। अब मेरे पास दो आंसर आए, इसमें से क्या दोनों सही है? नहीं सर, नहीं से है। हमने क्या माना था कि इधर q चार्ज से लेफ्ट हैंड साइड में जाके अपने को x मिलेगा, तो ये क्या आ गया, ये माइनस टू डी, मतलब अपने को कहां जाने को बोल रहा है, इधर जाने को बोल रहा है, तो ये बेचारा इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा, नो इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस एरिया में पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया भाई यहां कुछ नहीं हो सकता, चार्ज यहां हम नहीं रख सकते। तो फिर ये सॉल्यूशन में आया ही क्यों, फिर ये सॉल्यूशन में आया ही क्यों, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं ये तो समझ लिया, लेकिन अब ये समझते हैं कि भाई ये आंसर बना ही क्यों, तो क्या कोई बता सकता है? तो अगर वो तो पॉजिटिव चार्ज लेते तो शायद ना मैग्नीट्यूड का सर उससे वो क्यों मैग्नीट्यूड किसने बोला, ये कौन है, अथर्व कौन है, अरे भाई शर्मा मत, सही है अथर्व, हाँ मैंने बोला सर जो भी है सही था कि यार हमने यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड बराबर किए, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड बराबर किए, तो एक्चुअली इस पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स बराबर आ चुका है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स ने हमें बताया कि q से 2d दूरी पर इधर जाएंगे, q चार्ज से 2d दूरी पर इधर जाएंगे, तो यहां पर जो चार्ज होगा उस पर लगने वाला q की वजह से फोर्स और 9q की वजह से जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में बराबर पाया जाएगा। समझ में आया? अरे भाई ऐसे चुप रहोगे मारूंगा मैं पकड़। हाँ सर जल्दी बोलो, ये समझ में आया क्या हुआ? हाँ सर। यस सर। तो अभी फाइनल आंसर क्या बना, ये बना। तो ये तो एक ही पार्ट हुआ, अभी दूसरा पार्ट है कि भाई इस माइनस क्यू का जो चार्ज है वो कितना है ये पता करना है। कैसे करें? यार बोलना पड़ेगा यार, ऐसे मत बैठो सर, 9q² / 16d² को इक्वेट कर देंगे इससे। मैथ्स छोड़ो, कंसेप्ट बताओ किस पर क्या करने वाले हैं सर, वो 9q और q और q का फोर्स और वो जो हमारा चार्ज है उसका और किसी दूसरे चार्ज का फोर्स इक्वल कर देंगे। करेक्ट। अभी ये वाली फोर्स हमने क्या लिखी कि इस सेंट्रल चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम में डालना है। अभी मैं देखता हूं कि भाई इसे अगर देखा जाए तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, यानी कि इस पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और इस पर लगने वाला 9q का रिपल्शन फोर्स आपस में बराबर होना चाहिए। तो मैं अट्रैक्शन फोर्स लिखूंगा तो वो किसका लिखा जाएगा, माइनस q का, तो वो लिखा जाएगा k कैपिटल q q अपॉन दूरी का स्क्वायर, और वो x कितना आ गया था, डी स्क्वायर आ गया था, इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं k 9q इंटू क्यू अपॉन 4d का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? ये हमने क्या लिखा कि चार्ज q इज इन इक्विलिब्रियम, तभी जाके हम ये लिख रहे हैं कि भाई इस पर अट्रैक्शन फोर्स बराबर रिपल्शन फोर्स और यहां पर ये नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर काटा पीटी करें तो जो फालतू चीजें हैं q q गया, d स्क्वायर और ये गया, फिर अपने को k से k गया, तो यहां से कैपिटल q आ चुका है 9q अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16,
तो 9q/16 बन चुका है चार्ज, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड बना है ये। ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज हम यहाँ प्लेस करेंगे वो माइनस क्यू है, समझे? अरे यार हाँ सर, तो पहले बोल दिया करो ना यार, मेरे क्यों एनर्जी वेस्ट करते रहते हो तुम। नेक्स्ट हम लेते हैं, कितना लिया था, ये है 4q चार्ज और ये है हमने लिया, ये लिया क्यू चार्ज, और इनके बीच की दूरी मैंने ले ली है 3d, इसके बीच की दूरी मैंने 3d ले लिया है, और ये सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप करोगे और आप बताओगे आंसर क्या है। कि वही करना है पिछली बार का ही, पूरा जो लैंग्वेज था वो कॉपी कर लो और अब बताओ व्हाट शुड बी द आंसर। क्या कह रहे हो? पिछले वाले ठीक है सर। सर चार्ज को डी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। डी डिस्टेंस पर ही रखना पड़ेगा क्या? किस चार्ज से, क्यू से या 4q से? क्यू से रखना पड़ेगा, सही है। आप बीच में रखें या राइट साइड में रखें? लेफ्ट साइड में, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में ना? बीच में, हाँ ठीक है। और अभी बचता कौन है, उसके वैल्यू कितनी है, वो चार्ज कितना रखा जाए? 4q/9 आ गया, ठीक है। तो बच्चा लोग अब क्या मैं इसे सॉल्व करूं या आगे बढ़े अपन? आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे, है ना। बाकी लोग तो सोए हुए हैं, तो अपन अब लिखते हैं। तो अब देखो, जैसे कि हमने ये सिस्टम बनाया था, तो इस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन से फोर्सेस लग रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ था। तो अभी मैं इस सवाल पर आता हूं, ये मैंने माइनस क्यू यहां रख दिया, ये मैंने 9q यहां रख दिया, ये मैंने क्यू रख दिया। अभी ये सभी इक्विलिब्रियम में आ गए, ये हमने बात मान ली। अब क्या करते हैं, इस 9q को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं इधर। यह काम करो, इस माइनस क्यू को डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा मैंने माइनस क्यू को इधर डिस्प्लेस कर दिया। तो इक्विलिब्रियम अब चेक करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल है सर। हाउ सर? उस पे वो नेट फिर से जाने कोशिश करेंगे सर। हाँ, अट्रैक्टिव है ना, नेट फोर्स अट्रैक्टिव है, तो वो वापस वहीं जाने की कोशिश करेगा, ऐसा? नहीं सर, एक मिनट, वो रिजल्टेंट फोर्स वापस उसे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाएगा। ले जा रहा है क्या? ऐसा देखो जरा। नहीं सर, अट्रैक्ट हो जाएगा सर। हाँ, नहीं ले जा रहा सर, वो वापस आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्वायर करने के लिए अपने पोजीशन पे। व्हाई? फोर्सेस चेक करो एक बार। नहीं सर, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो चेक करते हैं, यह है 9q, यह है माइनस क्यू। अभी इस पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जैसे ही मैं इसे लेफ्ट में ले जाता हूं, तो इन दोनों के बीच की दूरियां हो गई हैं कम। दूरी कम तो फोर्स, बोलो, ज्यादा हो गया। तो यहां पर यह अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। अच्छा बताओ, और अगर इसके और इसके बीच की अभी मैं देखता हूं, तो अगर इसे लेफ्ट में ले गया, तो दूरी इनके बीच की बड़ी या कम हुई? बड़ी। तो फोर्स कम हुआ। तो भाई पहले तो ये बराबर फोर्सेस थे, अब क्या हुआ कि ये वाला फोर्स तो बढ़ गया और ये वाला जो फोर्स है वो कम हो गया। तो नेट फोर्स लेफ्ट में बना या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। हमने मूव कहां किया था इसको?
लेफ्ट में किया था और फोर्स भी कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन चुका है। बात समझ में आ रही है, जिस तरफ डिस्प्लेस किया उसी तरफ नेट फोर्स आ गया, इसका मतलब ये अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा था। अब मैं उल्टा मूव कर लेता हूं, मैं इसको क्या करता हूं कि इसको लेट से मैंने मूव करवाया राइट में, है ना, यहां भी चेक कर लेते हैं स्टेबल या अनस्टेबल। तो मैंने देखा कि यार इसको इधर मूव करवाया तो इसका क्यू की वजह से फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया। अब मैं देखता हूं 9Q की वजह से यहां जो दूरी है वो बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, तो फोर्स कम हो गया। तो ये वाला तो बढ़ गया और ये वाला कम हो गया, तो नेट फोर्स कहां आ गया, राइट साइड में आ गया। डिस्प्लेस कहां किया था, राइट साइड में, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि कोई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है। मैं लिखता हूं कि अगर कोई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है तो इट इज ऑलवेज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप कहीं पर भी चेक कर लें, तो लिखें If a system of charges is in equilibrium due to only electrostatic forces then the system is in unstable equilibrium position. System is in unstable equilibrium position. Unstable equilibrium position. सर हाँ, यहाँ पर हम बीच वाले चार्ज को सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे तब वो वापस आ रहा था, हाँ, लेकिन वर्टिकली मूव करेंगे तो स्टेबल आएगा। बच्चा यहाँ सोचो, ये जो 9Q है ये भी तो फिक्स है, नहीं है, ये भी तो मूवेबल है, तो जैसे ही इसे मूव करोगे ऊपर तो इस पर फोर्स कैसा आएगा ये सोचना है ना। मैं इधर बना देता हूं, ये है 9Q, ये है क्यू और ये माइनस क्यू यहां चला गया। इस पर फोर्स ड्रॉ करो तो माइनस क्यू और इसका अट्रैक्शन, क्यू और इसका रिपल्शन, क्या ये नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, बोल दे भाई नहीं हो पाएगा, तो नेट फोर्स बन जाएगा। तो कील ठोक दी तो क्या वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तुम्हें उस चार्ज पर? लेकिन सर जब हॉरिजॉन्टली, अरे रुक जा पहले इसका जवाब दे। हाँ, जो वो बोलते हैं कौन जो था ना छोटू, जिसने 9Q और Q का बोला था कि फिक्स कर दिया, उससे बात कर रहा हूँ मैं। 9Q और Q फिक्स कैसे होंगे, अपने आप हो जाएंगे? नहीं सर, मतलब ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब कि अगर तो जा पहले जिसका जवाब दे, क्या खुद से फिक्स हो जाएंगे क्या? अरे बोलना, अब स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने क्या लिखा था कि सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है तो वो अनस्टेबल बनेगा। अब तुम कील लगा दोगे, अब कुछ हाथ लगा दोगे तो वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़े ना बचा है, तुम्हारे नॉर्मल फोर्स भी तो आ गए हैं उसमें, कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी तो आ गए हैं। ये वाला ना, नहीं आपने जो स्टेटमेंट लिखो दोबारा बोलो, तुम्हारा सवाल क्या है?
सर आपने क्या बोला वो जो इक्विलिब्रियम में ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या कौन सा क्यू नाइन क्यू माइनस क्यू कौन सभी पूरा सिस्टम स्टेटमेंट लिख कर दिया है उसका हाँ उसमें बोलो क्या बोला है मैंने स्टेटमेंट में द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर एक्टिंग ये भी तो लिखा हाँ तो फिर अनस्टेबल कैसे हो अनस्टेबल चेक कैसे करते हैं ये बता अरे सर उसके ऊपर के नेट फोर्स तो कैंसिल हो रही है मुझे तो पहले ये बताना तुझे अनस्टेबिलिटी पे डाउट है तो मुझे ये बता अनस्टेबल या स्टेबल सिस्टम चेक कैसे करते हैं नेट फोर्स अगर कम ज्यादा हो नेट फोर्स कि अगर उसे डिस्प्लेस किया उसे डिस्प्लेस किया और उस पर अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में आ गया तो इसका मतलब वो स्टेबल या अनस्टेबल स्टेबल या अनस्टेबल अनस्टेबल तो अब मैंने यहाँ चेक करके दिखाया कि भाई इसको अगर इधर डिस्प्लेस किया जाए तो नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में आ जाता है तो ये स्टेबल या अनस्टेबल अनस्टेबल अब तेरा डाउट बता अनस्टेबल का क्या था इक्विलिब्रियम में पोजीशन इक्विलिब्रियम में है पोजीशन आगे बढ़ उससे तो फिर अनस्टेबल कैसे हो इक्विलिब्रियम में तो तेरे को स्टेबल अनस्टेबल के फंडे क्लियर हैं क्या कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे चेक करते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है बताओ बच्चा हाउ डू वी फाइंड आउट कि इफ दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल और न्यूट्रल मतलब सर उसके ऊपर कोई फोर्स नेट फॉर जीरो होगा तो स्टेबल अरे ये है नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा हाँ अब आगे बोलना यहाँ पिक्चर क्यों अटकी तेरी आगे बोलना सर इक्विलिब्रियम में ना हो तो अनस्टेबल कैसे होगा अच्छा बाकी लोग चलो कोई बताओ कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं बाकी लोग अगर वो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव की तो वो अगर वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा अच्छा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं उससे दूर चला जाएगा उससे दूर चला जाएगा तो जो बच्चा मुझसे ये बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है तो स्टेबल अनस्टेबल कैसे चेक करेंगे मैं फिर से बताता हूँ ध्यान से सुनना है ना पूरा फंडामेंटली बताऊंगा ध्यान से सुनना कि भाई इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं लेफ्ट में डिस्प्लेस करता हूँ और उस पर नेट फोर्स इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने एस लिखा और अगर इस पर चार्जेस की वजह से बनता हुआ नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अगर बन गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के बाद में वो वाला चार्ज खुद से ही दूर भागना चाहता है उसको वापस बुलाने वाला कोई नहीं बचा इसका मतलब वहां पर उसको रोकने वाला कोई नहीं बचा तो ये क्या था अनस्टेबल था लेकिन अगर बाय चांस कोई ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें कि हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया और उस पर जो बनने वाला नेट फोर्सेस अब जो देखे वो ऑपोजिट में आ गए यानी कि इक्विलिब्रियम से लेफ्ट में गए तो फोर्स उसको राइट में लेके जाता है यानी कि वापस इक्विलिब्रियम में लेके जाना चाहता है तो वो क्या शो कर रहा है स्टेबिलिटी को शो कर रहा है कि वापस वो उसी पोजिशन पे जाना चाहता है जहां से हमने डिस्टर्ब किया था समझा क्या तो ये स्टेबल और अनस्टेबल का फंडा अपन ने 11 में पढ़ा था यार इतना डिटेल में नहीं पढ़वाना था मुझसे चलो ठीक है तो अभी इतना ही रखते हैं होमवर्क में अपन कर देना उधर ओवन खत्म हो गया क्या उधर उस पीडीएफ में से हाँ सर हो गया तो ओ टू के अपन कर ले अगले ओवन तो भाई कितना ओ टू के 20 सवाल कर लेना उसके है ना ओ टू के 20 सवाल दैट इज योर होमवर्क ठीक है